नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय, उसमें अपना टॉपिक चल रहा है साझेदारों के पूंजी रखने की विधियाँ, जिसमें दो विधि बताई थी आपको, एक तो स्थिर पूंजी विधि और दूसरी परिवर्तनशील पूंजी विधि। कल हमने स्थिर पूंजी विधि के बारे में किया था, आज परिवर्तनशील पूंजी विधि करेंगे। तो परिवर्तनशील पूंजी विधि में साझेदारों की पूंजी रखने के लिए केवल एक ही खाता तैयार किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारी पूंजी खाते सेम, इसका जो प्रारूप होएगा वो ही रहेगा जो करंट अकाउंट का है। सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप इसका पुराना बैलेंस लिखोगे, यदि व्यापार है वो पुराना है। तो पीछे का जो बैलेंस है 31 मार्च को जो बैलेंस बचेगा वो 1 अप्रैल को अपने क्या करेंगे, आगे लाएंगे। तो सबसे पहले वो बैलेंस लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, और पूंजी खाते का आपको दिखते रहे वो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, इसलिए आपको इसे क्रेडिट में लिखना है। तो सबसे पहला कार्य आपको इसे बैलेंस लिखना है ए और बी का। उसके बाद सारे वो समायोजन जो हमने लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट साइड में किए थे, यानी वो सारे समायोजन जो एक फर्म के लिए क्या है व्यय है और साझेदार के लिए क्या है आय है। तो ये खाते हैं वो साझेदारों के, इसलिए से यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि उनके लिए आय होगी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को उसमें हमने डेबिट में लिखा था क्योंकि वो फर्म का था, तो उसमें क्या है फर्म के व्यय थे सारे, इसलिए वो सारे क्रेडिट साइड में आएंगे। कहने का मतलब कल हमने बनाया था पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों को मिला के ये एक खाता बन गया। उन दोनों खातों में जो जो आइटम आए थे वो सारे के सारे इस एक अकाउंट में ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने जो लिखेंगे वो पुराना बैलेंस लिखेंगे। कई बार ये होता है कि पहले का बैलेंस भी पड़ा है और किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल भी लगा दी, इन साल में क्या है एडिशनल कैपिटल लगा दी, उसके बाद क्या करोगे अपने वो एडिशनल कैपिटल लिखोगे। जब कोई साझेदार फर्म में कैपिटल लगाता है तो उसकी एंट्री अपने क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल करते हैं, या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल में बाय बैंक लिखोगे। पार्टनर कैपिटल में क्या करोगे, बाय बैंक लिखोगे और वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद देखो वो सारे आइटम जो अपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं वो सारे के सारे इसके क्रेडिट में लिखेंगे। तो अपने डेबिट में लिख सकते हैं, एक तो वहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या एक व्यय है, क्योंकि साझेदारों को उनकी पूंजी पे देना पड़ता है और साझेदारों के लिए इनकम है, इसलिए इसके क्रेडिट साइड में आएगा ये। उसके बाद किसी पार्टनर, मान लो कोई पार्टनर है वो सक्रिय पार्टनर है, उसे क्या करना है आपको, उसे भी यानी वर्किंग पार्टनर है तो उसे आपको क्या करना है, सैलरी वगैरह देनी है, तो वो सैलरी फर्म के लिए व्यय होगी और साझेदार के लिए क्या है वो आय है, तो उसे भी क्या करेंगे इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि पार्टनर के लिए ये आय है। तो बाय सैलरी, मान लो अपने सैलरी है वो ए को दे रहे हैं, सैलरी है वो किसे दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं, तो ए को जब सैलरी देंगे तो ए को जब सैलरी दी जाएगी तो इसके क्रेडिट साइड में ए वाले में लिख दो सिर्फ, और बी वाले में कुछ भी मत लिखो। इसी तरह मान लो बी को कमीशन दिया गया है, बिक्री पर दे दिया गया या अतिरिक्त कोई कमीशन दे दिया गया, तो वो आय वो बी की होगी, लेकिन ए की आय रहे चाहे बी की रहे, फर्म के लिए तो वो क्या है, फर्म के लिए तो एक वे ही है और साझेदार के लिए वो आय है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाय कमीशन, बाय कमीशन, अब बाय कमीशन लिख के और अमाउंट किस में लिखेंगे अपने, मान लो बी को दिया जा रहा है कमीशन तो बी वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके अलावा अदर कोई रेमुनरेशन भी हो सकता है जो अपने क्या ए या बी को दे, तो वो भी इसमें आ जाएगा। उसके अलावा हमने जब प्रॉफिट बांटा, मान लो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा थी मान लेते हैं, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मेन हुआ कि वहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, और जो प्रॉफिट है वो किसका होता है, स्वामी का होता है, और एक
पार्टनरशिप में जो ओनर होते हैं, स्वामी होते हैं, वो कौन होंगे? पार्टनर ही होते हैं, तो हमें उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसमें हमने क्रेडिट साइड यदि उसकी ज़्यादा रही तो यहाँ भी मान लो कि वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, और उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था वहाँ के डेबिट साइड में। तो फिर वही बात होगी कि जब हमने उसे पीएनएल के डेबिट साइड में लिखा था, तो पीएनएल के डेबिट में लिखा तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। अब पीएनएल के डेबिट में हमने वहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या लिखा होगा? अगर वहाँ पे स्थिर पूंजी विधि होती है तो स्थिर पूंजी विधि में तो हमने वहाँ पे लिखा होगा करंट अकाउंट पार्टनर करंट अकाउंट, और अगर पूंजी है वो क्या है? परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील यदि पूंजी है तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया होगा, क्योंकि करंट अकाउंट तो इसमें होता ही नहीं है। तो वहाँ पर हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू पार्टनर कैपिटल लिखा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जितना प्रॉफिट जिसके हिस्से में आया ए और बी, उन दोनों में वह प्रॉफिट लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब आएगी डेबिट साइड में। तो इसके डेबिट साइड में देखो, कल मैंने आपको दो बताया था, एक तो ड्राइंग बताई थी और एक विदड्रॉ ऑफ कैपिटल बताया था, ये बताई थी। तो और दोनों में डिफरेंस बताया था आपको कि ड्राइंग है वो क्या चीज़ है। ड्राइंग है वो एक तरह का ऋण है, मान लो जो साझेदार फर्म से लेता है। कहने मतलब कई बार फर्म को साझेदार को आवश्यकता पड़ जाती है रुपयों की, तो वो क्या करता है, उसे फर्म से निकाल लेता है, लेकिन वो ब्याज सहित वापस चुकाता है, वो तो ड्राइंग है। लेकिन विदड्रॉ ऑफ कैपिटल क्या चीज़ है कि जब कोई साझेदार स्थायी रूप से फर्म से अपनी पूंजी निकाल लेता है, यानी उसकी पूंजी फर्म में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसे स्थायी रूप से निकाल लेता है और उसे वापस जमा नहीं कराता, वो क्या है? विदड्रॉ ऑफ कैपिटल है। अगर मान लो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, तो आपको इसमें क्या लिखना है? टू ड्राइंग लिखना है। टू ड्राइंग लिख के ए ने जितना ड्राइंग किया वो ए के खाते में लिख दो, और बी ने किया वो बी के खाते में लिख दो। उसके बाद इसमें अगर वो पार्टनर ड्राइंग ना करके विदड्रॉ ऑफ कैपिटल कर रहा है, तो कल हमने किया था देखो, विदड्रॉ ऑफ कैपिटल है हमने कैपिटल अकाउंट में ही लिखी थी, और ड्राइंग है वो कहाँ पे लिखी थी? करंट में। लेकिन यहाँ पे तो हमने अकाउंट एक ही बनाया है, अतः दोनों चीज़ें हैं वो कैपिटल में ही आएगी, इसलिए यहाँ पर आपको टू बैक लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाए तो बाय बैंक, और वो विदड्रॉ करे तो टू बैंक। अब ड्राइंग इधर आएगा, अब ड्राइंग इधर आया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो एक पार्टनर के लिए लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वो उधार लेता है तो उसे उधार पर ब्याज देना पड़ता है, तो जब उधार पर ब्याज दे रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। और फर्म के लिए वो क्या है? फर्म के लिए तो प्रॉफिट है, इसलिए हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा था, लेकिन एक साझेदार के लिए वो क्या है? वह है, और वह डेबिट होता है, तो पार्टनर कैपिटल में इसे हम डेबिट में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आएगी। उसके बाद अगर मान लो प्रॉफिट न होकर लॉस हो गया, यानी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हमने बढ़ाया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ज़्यादा था, तो डेबिट साइड ज़्यादा होने का मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया, और खर्चा ज़्यादा हो गया इसका मतलब फर्म को लॉस हो गया लास्ट में, और उस लॉस को अपने क्या करते हैं? पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो लॉस भी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो वहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, तो हमने उसे क्रेडिट में बांटा होगा, तो पी एंड एल की कौन सी साइड लिखा होगा? क्रेडिट में।
जब P&L की क्रेडिट में लिखा P&L अप्रोप्रिएशन की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसे डेबिट में लिखेंगे। और लिखेंगे क्या, उस खाते का नाम, क्योंकि जब हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने लिखा बाय पार्टनर कैपिटल, और पार्टनर कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू P&L अप्रोप्रिएशन लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया प्रॉफिट, और ये क्या हो गया लॉस, वो प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, हमें दोनों साइड का बैलेंस मिलाना है, यानी बैलेंस निकालोगे वो टोटल मिलाओगे, तो अधिकतर यही होगा आपके मिलेगा कि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा मिलेगी, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड ज़्यादा मिलेगी, और उसमें से डेबिट साइड को घटा के शेष जो बचेगा वो इसका बैलेंस कहलाएगा। तो ये पुराना बैलेंस था, इसे बैलेंस BD लिख दिया, वो नया बैलेंस होएगा, उसे टू बैलेंस CD लिखेंगे। तो टू बैलेंस CD, बाई चांस किसी का उल्टा बैलेंस चला जाए, क्या मतलब डेबिट ज़्यादा हो तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। फिलहाल अपने मान लेते हैं कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट में लिखना है आपको टू बैलेंस CD। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इतना कर लोगे, और दोनों साइड का टोटल है वो बराबर कर दोगे। इस तरह से आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो साझेदारों के पूंजी रखने की कितनी विधियां होगी, दो विधियां, एक तो स्थिर पूंजी विधि, और स्थिर पूंजी विधि में आपको क्या करना है, दो खाते बनाने हैं, एक तो साझेदारों के चालू खाते और साझेदारों के पूंजी खाते। और परिवर्तनशील पूंजी विधि में कौन सा खाता बनाना है, आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। कौन सा खाता बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है इसमें। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये कि इसमें पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों के मध्य एक साथ इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे अपने इसमें टॉपिक है लाभों की गारंटी, लाभों की गारंटी। गारंटी क्या चीज होती है, अपने नॉर्मल ये वर्ड सुनते हैं गारंटी, गारंटी का मतलब होता है कम से कम, अगर इसका सही वर्ड करें तो कम से कम होता है भी कोई चीज, जैसे अपने बाज़ार से मान लो फ्रीज लाते हैं और आपको कहे कि 10 साल की गारंटी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो फ्रीज है वो कम से कम 10 साल चलेगा, ज़्यादा तो कितना भी चल सकता है, ये नहीं भी 10 से 12 चल गया तो हमें दो और पैसे लेने आएगा, भी 2 साल ज़्यादा चल गया। लेकिन अगर वो 10 से कम चलेगा तो फिर वो क्या है, हमें चेंज करके देगा या हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन करेगा। तो गारंटी का मतलब होता है कम से कम, लेकिन यहाँ पे कौन सी गारंटी है, लाभों की गारंटी है। तो लाभों की गारंटी का अर्थ ये हुआ कि किसी साझेदार को कम से कम उतना लाभ जरूर मिलेगा प्रत्येक वर्ष। तो लाभों की गारंटी 4 प्रकार की होती है टोटल। पहले नंबर एक देखो, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। नंबर 2 पे होती है साझेदार द्वारा
साझेदार को गारंटी, नंबर तीन पे है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और नंबर चार लास्ट होती है साझेदार द्वारा फर्म को वह फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो लाभों की गारंटी है वो चार प्रकार की होती है, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और साझेदार द्वारा फर्म को व किसी फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो लाभों की गारंटी चार प्रकार की होती है। अब पहले थोड़ा इसके बारे में आज बताते हैं। देखो, पहला है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। अब फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी क्या होती है कि जब कोई फर्म या ये मान लो सारे साझेदार, जब सारे साझेदार मिलकर किसी एक साझेदार को गारंटी देते हैं भी आपको कम से कम इतना लाभ ज़रूर मिलेगा प्रतिवर्ष, तो उसे फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी कहते हैं। जब फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है तो उसमें उस साझेदार को जिसको फर्म ने गारंटी दी है उसे न्यूनतम उतना लाभ मिलेगा जितने की उसे गारंटी दी गई है। लेकिन अगर मान लो उसे ज़्यादा मिल जाए तो मिल सकता है। गारंटी का मतलब मैंने भी आपको बताया था कि गारंटी का अर्थ होता है कम से कम, तो कम से कम उतना ज़रूर मिलेगा जितने की गारंटी दी गई है, अधिकतम है वो कितना भी हो सकता है। तो ये होती है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। अब इसको करते कैसे हैं, देखो कि फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है टोटल प्रॉफिट में से उस साझेदार का हिस्सा अलग कर दोगे जिसको गारंटी दी गई है, और शेष जो लाभ बचेगा वो शेष साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में वितरित कर देंगे। शेष साझेदार क्या करेंगे, अपने लाभ हानि अनुपात में वितरित कर लेंगे। तो पहली गारंटी अपने पास है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो इसमें क्या करना, आपको सबसे पहले उस साझेदार को लाभ देना है जिसको गारंटी दी गई है, और शेष बचेगा उसे शेष साझेदार आपस में बांट लेंगे। जैसे अपने इसको एक एग्जांपल द्वारा देखते हैं। मान लो किसी फर्म में ए बी और सी तीन साझेदार हैं, जो लाभों को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3:2:1 में। अब सी को गारंटी दी गई है कि उसे प्रतिवर्ष 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20,000 का, कि 20,000 रुपये का प्रॉफिट है वो सी को प्रतिवर्ष मिलेगा, तो ये 20,000 की क्या होगी, गारंटी होगी। इसका मीनिंग हुआ कि अगर लाभ 20,000 से ज़्यादा मिलेगा तब तो वो ज़्यादा लेगा, अगर 20,000 मिलेगा तो 20,000 ले लेगा, लेकिन ये लाभ 20,000 से कम रह जाए तो फिर पहले उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे, शेष बचेगा जो वो शेष साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। ये मान लेते हैं कि सी को 20,000 रुपये की गारंटी दी गई है, वित्तीय वर्ष में जो लाभ हुआ है वो 30,000 का हुआ है, वित्तीय वर्ष में लाभ हुआ मान लेते हैं 60,000 रुपये का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 60,000 का। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका हिस्सा अलग करना है सी का। अब सी का हिस्सा अलग करें तो इसका जो अनुपात है, देखो इसका 3:6 हो गया, इसका 2:6 हो गया, और इसका 1:6 हो गया।
तो सबसे पहले क्या करोगे, सी का हिस्सा निकालोगे। तो 60,000 में सी का हिस्सा निकाला 1/6, तो 60,000 का 1/6 निकाला तो कितना आ गया अपना, 10,000 आ गया। 60,000 का जब 1/6 निकाला तो अपना कितना आ गया, 10,000 आ गया। आप ऐसे करोगे कि पहले ये 10,000 रुपये सी को दोगे, लेकिन सी को गारंटी कितने की मिली हुई है, 20,000 की। तो आप उसे 10 न देकर पहले सी का जो या 20,000 जो भी गारंटी है इसकी तुलना करेंगे। अगर मान लो ये 30,000 आ जाता तो हम उसे 30 दे देते, लेकिन उसके हिस्से में कितना आया, 20,000। अब 20,000 आया है तो उसे वो 20,000 रुपये देंगे अपने, कितने देंगे, 20,000, क्योंकि उसको 20,000 की गारंटी दी गई है। गारंटी का मतलब है कम से कम तो इतना देना ही है। और गारंटी है वो किसने दी, फर्म ने। कैसे पता चला, ठीक है गारंटी दी गई है, ये नहीं बताया ए ने दिया बी ने, तो ये माना जाएगा वो गारंटी किसके द्वारा दी गई है, फर्म के द्वारा ही दी गई है। तो 20,000 रुपये आ गए अपने सी के हिस्से में। अब शेष लाभ कितना बचा, शेष लाभ बच गया, टोटल लाभ जो अपना था वो 60,000 रुपये था। कितना था, 60,000, जिसमें से 20,000 लेस कर दो जो हमने सी को दे दिया। अब सी को 20,000 दे दिया, शेष कितना बचा, 40,000। अब शेष बच गया 40,000। 40,000 को कौन कौन बांटेगा, 40,000 को ए और बी बांटेंगे। वो किस अनुपात में बांटेंगे, जो इनका लाभ हानि अनुपात है 3:2। अब 3:2 होने का मतलब इसका हिस्सा तो हट गया, शेष कितना था, 3:2 बच गया। तो 40,000 के 3:2 में बांटेंगे तो ए का हिस्सा कितना आएगा, 40,000 का 3/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका हिस्सा हटा दिया तो इसके दो ही रहे हैं, तो 3+2 करोगे तो 3/5 हो जाएगा। तो इसका आ गया अपना 8 3 24,000। और बी का हिस्सा, चालीस हजार का 2/5, तो 40,000 का 2/5 आ गया 16,000 रुपये। तो ए को तो कितना मिल गया, 24,000 मिल गया, बी को कितना मिल गया, 16,000 मिल गया। और सी का हिस्सा बराबर 20,000, तो सी को मिला ही है। तो 24 और 16, 40 और 20, टोटल अपना हो गया 60,000 रुपये। और फर्म का प्रॉफिट कितना था, 60,000 का प्रॉफिट था। तो ये किसके द्वारा किसको गारंटी होगी, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो जब फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी गई तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले उस साझेदार का हिस्सा अलग कर लिया जिसको फर्म ने गारंटी दी है। तो उसको गारंटी कितने की, जैसे ए बी सी 3 थी, सी को गारंटी कितने की मिली, सी को जो गारंटी दी गई है वो दी गई है 20,000 रुपये की। अब जब मैंने उसका हिस्सा निकाल के देखा तो 60,000 का 1/6 हिस्सा है उसका, तो 60,000 का 1/6 कितना हो गया, 10,000। तो उसके हिस्से में कितना आया, 10,000, लेकिन उसे गारंटी कितने की मिली, 20,000 की। तो सबसे पहले क्या करना, आपको उसे वो 20,000 रुपये देने हैं, ठीक है। अब 20,000 देने के बाद शेष कितना बचा, 40,000। तो ये 40,000 है वो किसके लिए बचा, ए और बी के लिए बच गया। तो 40,000 है वो किसके लिए बचा है, ए और बी के लिए बचा है। तो ए और बी को मिलेगा ये, तो 40,000 का इसका हिस्सा 3:2 रह गया, ये तो गया एक वाला, तो इसका हिस्सा कितना हो गया, 3:2 हो गया। तो 40,000 का 3/5 तो किसको मिला, ए को, और 40,000 का 2/5 मिला बी को। तो ए को मिला 24,000 और बी को कितना मिला, 16,000। और सी का हमें पता ही है, सी का हिस्सा वो कितना है, 20,000 है। तो टोटली हो गया 24, 16 और 20, टोटल आ गया 60,000 का। ये होगी किसके द्वारा किसको गारंटी, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, ठीक है। और गारंटी का अर्थ क्या होता है, कम से कम।
समझ गए, धन्यवाद।